अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन आज से तकरीबन दो तीन दिन पहले एलुमनाई रियूनियन पे जाने का मौका मिला और वहाँ पे कहा गया कि आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करें। यकीन जानिए कुछ बातें करने के लिए ना मौका महल देखना पड़ता है और आप अपने दिल का गुबार या दिल की बातें तब कह देते हैं। वो मौका तो सही था लेकिन महल जो था वो दिल की बातें करने का ज्यादातर नहीं था। जो उस महल के हिसाब से मुझे ठीक लगा मैंने बातें कर दी बगैर किसी फिल्टर के, जो दिल में आया बोल दिया। सो क्योंकि सक्सेस स्टोरीज का कहा गया था तो सक्सेस स्टोरीज तो है ही नहीं। सक्सेस स्टोरीज इसलिए नहीं है, हमारे पास सारी स्ट्रेस स्टोरीज हैं। हाँ ये कह सकते हैं कि अब तक की अगर कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो शेयर कर दें, अगर उनका उन अचीवमेंट्स का मतलब सक्सेस है तो ठीक है आप उसे कह दें। तो अचीवमेंट्स हैं और स्टोरीज तो हैं, वो स्ट्रेस वाली स्टोरीज हैं हर एक की, सिर्फ मेरी नहीं। और ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूं, मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि सक्सेस जो रियल मानी में है वो आपकी आखरत की सक्सेस है। दुनियावी एतबार से इन चीजों को मैं डिनाई नहीं करता, जरूरी है जीने के लिए आपको अचीवमेंट्स और ये सारा कुछ। बट मुझे आज भी याद है हमारे एक टीचर जिनका रिसेंटली मैंने एक पिक्चर भी अपलोड की थी, उन्होंने एक ऑडियो नोट भेजा था कि जिनमें उन्होंने हम नॉर्मली हाल अहवाल पूछते हैं तो उन्होंने कहा था कि हाँ भाई आखरत की तैयारी कैसी जा रही है। तो लिटरली वो काफी टाइम पहले की बात है, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा हम सो कॉल्ड बड़े अपने आप को होशियार और दानिश्वर समझते हैं लेकिन अगर हमारी प्लानिंग में आखरत का कोई प्लान है ही नहीं तो आप जितनी भी अचीवमेंट कर लें और सो कॉल्ड दुनिया की जितनी भी सक्सेस हासिल कर लें आपके आंखें बंद करने तक सारा कुछ खत्म हो जाएगा। रिसेंटली कुछ पोस्ट मेरे सोशल मीडिया सर्कल्स में से गुजर रही हैं, बिलाल पाशा साहब जिन्होंने बनू यूनिवर्सिटी बनू डिस्ट्रिक्ट बनू में सर्व किया है, एस्टैब्लिशमेंट में बनू की ब्यूरोक्रेसी में और असिस्टेंट कमिश्नर रहे गालिबन। मैं उनके साथ मिला भी नहीं हूं एंड ही वाज सच अ स्वीट पर्सन, जो उनकी अभी मैं वीडियोस देख रहा हूं एट दिस यंग एज, मतलब उन्होंने वो हमें खैराबाद कह चुके हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सब्र जमील नसीब अता फरमाए अगर वो हयात हैं। और मैं हैरान हूं कि जिंदगी से बड़ा स्कैम मेरी समझ से बालातर है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कभी उस शख्स से मिला नहीं, मेरी उस शख्स से उसकी फोदगी से पहले तक की कोई वीडियो कुछ भी ऐसा नहीं शेयर हुआ। बट यकीन जानिए जब से मैंने उसकी वीडियो सुनी है और इस हद तक उस बंदे ने तकलीफ दी है, इस हद तक उसके जाने का दुख है कि मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सक पा रहा। अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब जमील नसीब अता फरमाए और उसकी आखिरत के मराहल उसके लिए आसान फरमाए और हमें आप सबको अपनी दुनियावी मामलात के साथ साथ आखरत की तैयार आखरत के उस मकाम को फेस करने की तैयारी की तौफीक नसीब अता फरमाए। थैंक यू सो मच।